बहुत गंदी बाइक चला रहा, वो देखो फिर मरा मरा मरा, देखो 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 गाय चॉकलेट है। अरे डरो मत, कुछ जहर वहर नहीं इसके अंदर भाई। बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है यार ये, कसम से यार, मतलब इतना ज्यादा दिल खुश हो रहा है ना, पैसा वसूल गाइस, पैसा वसूल भैंस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय ब्लॉग। और आप सब कैसे हो गाइस? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस, और ना आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं भी कैसा इंसान हूँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर को ना 7 दिन हो चुके गए हुए, और मैं आप लोगों को अब विश कर रहा हूँ, क्योंकि है ना ये नया साल अपने साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आया गाइस। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स में था, अब जाके बाहर आया हूँ भाई। तो आज हमारी बाइक की सर्विस हो चुकी है, और मैंने पिछले 2 संडे ब्लॉग शूट ही नहीं किया गाइस, मैं इतना ज़्यादा काम में बिजी था ना, मेरे ही काम में बिजी था गाइस। तो कल हमारे पास फ़ोन आया था सर्विस की तरफ से, तो हमारी बाइक की सर्विस आ चुकी है। तो आज हम चलते हैं फटाफट से, हमारी बाइक की सर्विस करवाएंगे, और ये हमारी बाइक की दूसरी सर्विस है गाइस, क्योंकि हमारी बाइक ना 3000 किलोमीटर चल चुकी है। तो देन अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हमारी बाइक ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि मैंने पिछले 2 संडे से इसे चलाया भी नहीं है गाइस। तो आज हम इसे वॉश भी करवा लेंगे और इसकी सर्विस भी हो जाएगी। तो पहले फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, और मैंने खाना वगैरह तो खा लिया है, तो लेट्स गो, अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। सो गाइस, ये खड़ा हमारा मॉन्स्टर भाई, और मैं भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है ये। तो आज चलते हैं, आज इसकी सर्विस करवाएंगे। मैंने रूम को तो लॉक कर दिया था, और अभी मम्मी को घर की चाबी भी देनी है गाइस, तो मैं भी देख सकते हो तुम। तो अभी पहले मम्मी को चाबी देते हैं, हमारे घर पे चलते हैं जहाँ पर हमारा घर बन रहा है गाइस। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा घर कहाँ पर बन रहा है। मम्मा को चाबी देनी है घर की, फिर हम निकलेंगे बाइक की सर्विस करवाने के लिए। यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है, देख सकते हो हमारा घर इतना बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे सामान वामान रखा हुआ है, ये देखो मेरी राजकुमारी कितनी गंदी हो रही है। हाँ, यहाँ पे सीमेंट वीमेंट मसाला वसाला इनके रिएक्शन देखो गाइस कितने ज़्यादा है। सो ये मेरा घर है, तो अभी चलते हैं, बाइक की सर्विस सर्विस भी करवानी है हमें। गाइस अभी हो सका तो मैं अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा आपको, जिसका नाम दीपांशु है, और जिसका मैंने ना अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था भाई, जिस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ना अपने चेस्ट पर लिखवा रखा है, और उसकी गर्लफ्रेंड उसको 2 साल पहले ही छोड़ के जा चुकी है। उसने मुझे कहा कि साले तूने अपने व्लॉग में मेरा नाम ले दिया भाई। मैंने कहा कि यार मैं ना उस क्लिप को ट्रिम करना भूल गया था, हैंकर। आज ना मैं मिलवाऊँगा उससे, उसने बोला तो है, तू मुझे कॉल कर देना, मैं उसके बाद आ जाऊँगा। तो देखते हैं, आज उस लवर से मिलवाता हूँ आपको, और हो सकता है कि वो अपने चेस्ट का टैटू तो दिखाएगा नहीं गाइस लेकिन फिर भी हम ना उसका थोड़ा बहुत मजाक तो उड़ा ही सकते हैं भाई, दोस्त है हमारा, इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। तो हमारा शोरूम भी आने वाला है यार, जस्ट थोड़ा सा आगे हो रहा है हमारा शोरूम, तो पहले चलते हैं वहाँ पर और सर्विस करवाते हैं बाइक की फटाफट से। सो गाइस, ये रहा सर्विस सेंटर। हाँ, पीछे से, हाँ। सो गाइस, ये है सर्विस सेंटर जो नया ओपन हुआ है। तो भैया बोल रहे हैं कि पीछे से जाओ, जस्ट आगे वाली गली से है, पीछे है भाई इसका सर्विस सेंटर, आई थिंक अंडरग्राउंड है भाई, वहाँ पर है सामने भाई सर्विस सेंटर, ये रहा। और ना देखते हैं, सर्विस करवानी है कल यार, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? भैया सर्विस करवानी है बाइक की यार, आज कितने बजे तक? अगर आज 4-4:30 बजे तक किया संडे ना। अच्छा, और बाकी कल कितने बजे तक मिलेगी बाइक? 12 बजे तक। सो गाइस, सो यार ये तो प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा, दीपांशु को कॉल करता हूँ पहले। सो गाइस, तो आज हमारी बाइक की सर्विस नहीं होगी यार, ये बोल रहे हैं आज तो मिल नहीं पाएगी, या फिर कल 12 बजे तक मिलेगी अगर हम आज बाइक यहाँ पर छोड़ देते हैं तो। सो कोई नहीं, कल ही करवाते हैं हम हमारी बाइक की सर्विस। तो निकलते हैं अभी, प्लान करते हैं कहीं अच्छी सी राइड का, चलते हैं भाई। गाइस तेल डलवाते हैं पहले, पावर वाला कर दो 300।
अच्छा कितने हो रहा है 300 पहले का है ना यार इसमें 220 का तेल नहीं इतने का डलवाता हूँ पास जाना होता है जब वन की तारीफ कर दी उसकी ड्यूटी अच्छी लग रही है बाइक हाँ 200 देने वापस आप पूरे वापस दे रहे हो ठीक है लो चॉकलेट है अरे डरो मत कुछ जहर वहर नहीं इसके अंदर गाइस दीदी डर गई मैं चॉकलेट दे रहा था इनको ये डर गई सो गाइस हमने हमारी बाइक में पेट्रोल तो डलवा लिया भाई और क्या कहते हैं वहाँ पर कोई दोस्त मिल गया था हमारा तो इस वजह से थोड़ी देर उससे बात बात करने लग गए थे और बिकॉज जब दीदी को चॉकलेट दे रहा था तो उन्होंने बोला मैं क्या करूँ इसका गाइस हमारे आगे जो ये बंदा चल रहा है ना पूरा छपरी है भाई देखना किस तरीके से गाड़ी चला रहा भाई ये बहुत ही गंदी गाड़ी चला रहा है हाँ और ना भाई ये बहुत ही गंदी गाड़ी चला रहा भाई बिना हेलमेट के अभी इसने ऐसे ऐसे कट मारे ना भाई बहुत भयंकर अब देखना वो देखो कैसे लीन करवा रहा वो देखो बिना हेलमेट के भाई देखना इसको वो देखो फिर देखो कैसे कैसे कट मारा इसने भाई बहुत गंदी बाइक चला रहा वो देखो फिर मरा देखो 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 गाइस बच गया भयंकर कैसे रेस लगा रहा है भाई मेरे से रेस लगा रहा है और मैं लगाना नहीं चाह रहा भाई क्योंकि बिकॉज इसके पास हेलमेट नहीं है और जिसके पास हेलमेट नहीं हो मैं उससे रेस लगाता ही नहीं हूँ अब देखना गाइस देखना भाई ये शास्त्री नगर के छपरी हैं ब्रो ऐसे ही बाइक चलती है यहाँ तो वो देखो मरा गाइस भाई साहब कितनी गंदी बाइक चला रहा था ये लौंडा सो गाइस आप देख सकते हो मेरे आगे ना एक हाथी चल रहा है भाई और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक बार कहा था कि बाबू मुझे ना हाथी बहुत पसंद है मतलब मैं जो जिंदा इंसान था उसे वो इतना पसंद नहीं था हाथी पसंद था तो मैं यही कहना चाहूँगा हाथी भैया आप जाओ मेरी गर्लफ्रेंड के पास उसके साथ डेट करो और उसकी गलत फहमी मिटा दो देख रहे हो गाइस कितना बड़ा ही है हेलो भैया आप मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे लगते हो सही बता रहा हूँ सही में गाइस मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था एक बार कि हाँ मुझे हाथी बहुत पसंद है तो मैं भी अगर वो मेरे साथ होती तो मैं उसे हाथी गिफ्ट करता भाई लेकिन उससे पहले हम ये वाला हाथी ले आए गाइस जो अभी आप मेरे सामने जो ये मंदिर देख रहे हो ये है हमारे गण गणेश जी गाइस और यहाँ पर ऐसी मान्यता है अगर आप सात बुधवार आते हो रेगुलर सात बुधवार तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मांगो आपकी जो मन की इच्छा है वो यहाँ पर पूरी ना हो और ऐसा भी कहा जाता है कि आप ना अगर सात बुधवार की सोच लोगे ना तो आप आ ही नहीं पाओगे यहाँ पर क्योंकि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से आप आ ही नहीं पाओगे यहाँ पे और अगर आपने सात बुधवार कर लिए ना तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपकी इच्छा हो ना तो वो पूरी हो जाती है गाइस और ये फैक्ट है भाई ये जयपुर के गण गणेश जी है देख सकते हो यहाँ से ऊपर पहाड़ पे है गाइस और आगे से रास्ता जाता है यहाँ से अगर यहाँ से घूम के जाओगे ना तो सामने रास्ता है और ये ऊपर पहाड़ पे गण गणेश जी का मंदिर गाइस आज संडे और संडे के दिन भाई जलमहल रोड का ट्रैफिक चेक करो गाइस हर जगह पुलिस वाले चाचा लगे हुए हैं भाई ट्रैफिक देखो भाई ये सामने जो पीछे बत्ती है वहाँ से लेके ये पीछे तक ट्रैफिक है भाई और मैं सोच रहा हूँ जब मैं इस साइड से आऊँगा तो मेरा क्या होगा ब्रो देख रहे हो मतलब यहाँ पर सुबह के टाइम इतना क्राउड नहीं मिलेगा ये सारे लोग गाइस नारगढ़ से आ रहे हैं जितने भी हैं ना ऊपर मतलब घूमने के लिए जाते हैं संडे वगैरह है अब जाके ट्रैफिक ख़त्म हुआ है यहाँ पे सो गाइस ये है यहाँ पर कैमल राइड और ये ना जलमहल के पीछे वाला हिस्सा है गाइस और हम ना खुद पहली बार आए हैं यहाँ पर जयपुर में रहकर हम खुद पहली बार आए हैं गाइस और ना मतलब पूरा राजस्थानी ट्रेडिशनल है भाई ये देख रहे हो कैमल राइड्स वगैरह और यहाँ पर आते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है गाइस भाई ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया सो गाइस अभी मैंने मेरे गोप्रो को बाहर निकाल लिया है और
जतिन मैं हेलमेट में यार पूरे ना बाल खराब हो जाते हैं और यहाँ से देख सकते हो भाई दर्द से होने लग जाती है। दर्द सा होता है भाई, खुजली सी चलती है और सामने से व्यू देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा दिख रहा है। और अभी ना जस्ट हम इसके वापस काटेगा क्या? अच्छा हम ना जस्ट अभी इसके नीचे जाएंगे गाइस और यहाँ पर एक आंटी जी जो मछलियों के लिए दाना बेचती है तो हम दाना खरीदते हैं पहले। आंटी जी कितने की है ये? एक दे दो आके लेता हूँ ना। ये ऑटो की लोई है मतलब जो होता है, ले पकड़ आ जा इनको यहीं रहने दे। मछलियाँ वैसे इस टाइम पे दाना डालना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि ना गाइस मछलियाँ ओनली सुबह के टाइम होती है, वो दिख रही नहीं है मेरे को, सुबह के टाइम होती है ओनली। मॉर्निंग में जब आप आओगे 7-1 बजे उस टाइम पे ही आपको मछलियाँ देखने को मिलेगी। और अभी तो यहाँ पे डक्स वगैरह है गाइस, और कौन कह सकता है कि ये जलमेल है क्योंकि यहाँ से जलमेल तो दिख ही नहीं रहा भाई, कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख रहा कसम से। कब आएगी भाई मछली? और ये नहीं पता भाई यहाँ पे ये पानी का सोर्स कहाँ से आता है, हमें यही नहीं पता अभी तक कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो और अभी बज चुके हैं 4:30 और ना भाई ठंड पड़ना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है। और ना ये देखो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, मतलब सामने से देख रहे हो पहाड़ वगैरह, धुंध वगैरह भी है हल्की हल्की और ठंड भी बढ़ रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गाइस ये ना जलमहल के पीछे वाली रोड है गाइस, और देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है भाई। यहाँ पे रोड ये रोड लाइट वगैरह ठीक हो रही है भाई, और यहाँ पे ना और स्पीडिंग करने का मन भी कर रहा है लेकिन करेंगे नहीं गाइस। देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स वगैरह, मतलब आप शाम के टाइम यहाँ पे ना वॉक वगैरह कर सकते हो यार। जतिन कैसा लग रहा भाई? भाई अलग ही फीलिंग आ रही है, अलग ही भाई, मतलब ठीक है हाँ लग रहा नहीं है हाँ। और कसम से भगवान की कसम हम ना इस रोड पे कभी भी नहीं आए गाइस, पानी चमक रहा है भाई, और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ दोस्त नहीं होना चाहिए था गाइस। मतलब गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा कमी है भाई, ब्लड में भी कमी है, हमारे अंदर भी कमी है भाई। मतलब ये रोड इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना भाई, अकेले चलने का मन ही नहीं करता गाइस। और ये भाई यहाँ पर गिटार वगैरह बजाएंगे गाइस, ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी है ना भाई, इतनी अमेजिंग है ना, अगर यहाँ आप आ रहे हो ना जयपुर में रहकर हमें खुद को ही नहीं पता भाई कसम से। ये जस्ट जलमहल के पीछे की मतलब बैकग्राउंड है भाई ये, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो या तो अपने फ्रेंड्स के साथ आना या गर्लफ्रेंड के साथ आना, और अगर आपके पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना तो दोस्तों के साथ आ जाना क्योंकि यहाँ पर जो गाइस आगे जाने का है क्या रास्ता, बाइक ले चलते भाई, ये आगे पता नहीं कौन सा किला वगैरह आ गया गाइस। गाइस हम ना हमारी बाइक भी यहाँ पर लेके आ चुके हैं और देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है भाई, आज इसकी सर्विस ही नहीं हो पाई। मेरे को ना सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का हुआ कि इसकी सर्विस नहीं हो पाई भाई, और देख रहे हो मतलब इससे ज़्यादा खुशी किस बात की होगी, आप ऐसी जगह पर हो और आपकी बाइक आपके पास है भाई, कसम से भयंकर यार, बहुत ही प्यारी वाइब है भाई। उन बच्चों के रिएक्शन चेक करो यार, और ना अभी हम जस्ट रूफ टॉप पे चल के आएंगे गाइस, वहाँ पर कुछ तो है गाइस। अभी बच चुके हैं 5:00 और मैं और जतिन ना ऊपर पुलिस वालों के चक्कर में हम ऊपर गए नहीं थे भाई, क्योंकि बिकॉज ना ऊपर कपल्स वगैरह बैठे हुए थे भाई और हम इसी वजह से नहीं गए थे, क्योंकि उसके बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी अंदर चलते भाई, अंधेरा हो रहा हो। रोहित कोती भाई ऊपर कहाँ से जाते हो? ओ भाई भयंकर उम्मीद भाई, ये लोकेशन ही बहुत तगड़ी है भाई, यहाँ पे ये जितने भी बंदे हैं ना ये भाई ये सारे अपनी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के नाम लिख के गए हैं यहाँ पे, जो भी लड़के थे ना यहाँ पे जो भी वो सब भाई काला पीला करके गए हुए हैं इनको, और ना बहुत खतरनाक। अरे इधर है भाई इधर, मैंने देख लिया, आ जा। कहाँ से देख लिया भाई? अच्छा ये रहा एकदम गोल बना रखे ना, पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल अंधेरा भाई। नीचे में बोल रहा बोतल फूटी हुई है। हां भाई
ऊपर ना अब जाके रोशनी आई है भाई। भाई इधर ही बैठे रहो, यहाँ से व्यू चेक करो भाई साहब। गाइस यहाँ का व्यू चेक करो, कसम से बहुत ही प्यारा भाई। ये जयपुर है गाइस, ये जयपुर है ब्रो, और सामने मोर वगैरह है। कसम से मेरा ना दिल इतना ज्यादा खुश हो रहा है ना भाई, कसम से ये इतनी प्यारी जगह भाई, बहुत भयंकर गाइस। और नीचे हमारा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो गाइस। और ये पानी वगैरह है, क्या बताऊं मैं यार, मैं बोल नहीं सकता भाई, भाई इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। जतिन की, जतिन तेरे को केरल देखना है, केरल केरल देखना है तुझे भाई, दिखा तो केरल दिखा तो गाइस। अब इसको केरल ही दिखाऊंगा, इधर आ, यहाँ पे चढ़ एक बार, यहाँ पे चढ़ इस जगह, और वहां से केरल देख एक बार। और भाई ये मतलब पेड़ है ना, जब पेड़ देखते हैं जो फीलिंग आ रही है मतलब भाई, ये पेड़ देखकर ऐसा लग रहा है, नीचे जो खजूर के पेड़ है सारे कटे हुए, और ऐसा लग रहा है कि हम केरल में है गाइस। और ये आमेर, ये मेरे हिसाब से नहीं, हाँ इधर से बाईपास रोड ये है। बिल्कुल देखो गाइस क्या प्यारा व्यू आ रहा भाई, बहुत भयंकर। उम्मीद ठीक है तेरे को, उम्मीद ठीक है तेरे को भाई, ऐसी उम्मीद नहीं थी गाइस मेरे को, खतरनाक मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा भाई। जयपुर में रह के बताओ, पहली बार आया हूं, पहली बार आया हूं, मुझे खुद को नहीं पता जयपुर में रह के पहली बार आया हूं भाई। मतलब ये पता किस लिए बनाते थे, किस मैं तो बताऊं, ये क्या है कि जैसे मान ले कि एक तरह से बॉर्डर रही है, हां, और जब ये फायरिंग वगैरह करने के लिए था ये, हां, ताकि मतलब इन कम और यहां से सनराइज देखो गाइस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई, देख रहे हो थर्ड फ्लोर सूरज डूब रहा है ना। और अभी ना यहां पे एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तो लाइफ के मजे तो वही लेके गया, रिकॉर्ड हो गया, वो चेक कर लियो भाई, रिकॉर्ड हो चुका है वो, पहले चेक कर लेना, मतलब लाइफ के मजे तो वही लेके गया यहाँ, जो भाई जो फीलिंग है ना भाई यहाँ से। और नीचे दो बंदे बैठे हैं, तो गाइज वो हमारी बाइक के साथ फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, और यहाँ ही पे बैठे थे वो दो बंदे। जतिन का दिल टूट गया भाई, मतलब इतनी जब मतलब सेटिंग थी ना मुझे बताऊं, तब को ये पता नहीं था भाई इधर ये ऐसी भी लोकेशन होती है। और अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, उसके बाद पता चला भाई ऐसी भी चीजें होती है, कसम से भाई भयंकर भाई। गाइज अभी मैं ना इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, किले के ऊपर, और यहाँ से ये देखो मतलब कितना ज़्यादा नीचे भाई, ये ऊंचाई चेक करो आप, और सनराइज देखो गाइस, कसम से बहुत ही प्यारी फीलिंग है भाई। मेरे को जल्दी यहाँ से उतरना पड़ेगा, बिकॉज वरना पुलिस वगैरह आ जाएगी यहाँ पे अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो, और हमें यहाँ से कुछ जाने भी नहीं देगा गाइस, इसीलिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से वरना पुलिस आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सीन बहुत गंदा होने वाला है गाइस, भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये लग रहा है मैं जयपुर में हूँ भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था भाई, हमारे साथ हमेशा ये होता है, हम सुबह ख़राब मूड पे निकलते लेकिन शाम को जब हमें लोकेशन मिलती है ना, हमारा मूड एकदम से बदल जाता है गाइस, कसम से यार। लिटरली ये जगह इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, ऑसम भाई, मैं बोल नहीं सकता भाई। अगर किसी को आना हो ना तो गर्लफ्रेंड के साथ ज़रूर आना भाई, गर्लफ्रेंड के साथ तो आना, पर आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ, जैसे आप ये जलमहल है सामने, ये जलमहल है गाइस, ये जलमहल के जस्ट पीछे से एक रोड आती है, वहाँ से ये जलमहल है, देखो वहाँ से दिखेगा भी नहीं आपको यहाँ से कि जलमहल है, ये लग ही नहीं रहा कि जलमहल है भाई, जलमहल का जो बॉर्डर है ना मतलब, हाँ। पानी का उससे घूमते हुए आ जाना, पीछे की साइड से आना, जहाँ कैमल राइड होती है गाइस उसी रास्ते से आपको आना है, और ये जगह बहुत ही ज्यादा औसम है भाई, मजा आ गया कसम से गाइस। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, आई होप मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया, आप लोगों को भी ये ब्लॉग देखने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा गाइस, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो गाइस मुझे फॉलो जरूर कर लेना,
क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, और ये अपना भाई है जतिन जो हर राइड पे हमारे साथ रहता है, तो देखते हैं। और मैं भी अगर हमारे कोई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है मिस्टर कुलदीप 666 तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो गाइस, क्योंकि जो भी बंदा राइडिंग करना चाहता है मेरे साथ तो वो जुड़ सकता है। मेरे को DM वगैरह कर देना इंस्टाग्राम पे, हम बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे भाई उस बंदे को। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, कर देना यार सब्सक्राइब, कर देना गाइस, और बहुत ज्यादा मेहनत करता है गाइस, और ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यार, कसम से बहुत ही प्यारी जगह है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।